देखिए यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और गाड़ी आ तो रही है यार। आगे देखते हैं, प्रयास करते हैं। उठाओ उठाओ, ये देखिए पूरा फ्लाईओवर जो है बनके रेडी है, आप देख सकते हैं कलर भी हो चुका है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू आप लोग का वेलकम करता हूं एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपडेट दूंगा रानोपाली फ्लाईओवर से रिलेटेड। तो मैं इस समय हूं जो है साकेतपुरी कॉलोनी, और यहाँ पर आप देखिए ध्वस्तीकरण यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो वो जो सामने आपको रोड देखने को मिल रहा है वो है, ये आप देख सकते हो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है ये। और यहाँ से जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड टर्न होता हूँ तो सामने ही आपको फ्लाईओवर देखने को मिलेगा गाइस। ये आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप ये चेक करो। ऊपर का जो फ्लाईओवर था वो बन चुका है और यहाँ पर जो है नीचे स्लोप को बनाने की तैयारी धीरे धीरे चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे राम मंदिर का निर्माण होने ही वाला है और दिसंबर या जनवरी महीने में उसका उद्घाटन भी है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बैरियर भी लगा दिया गया है, गाड़ी घोड़ा जो है आने में असफल है, गाड़ी घोड़ा नहीं आ सकती है ना, लेकिन कैसे भी लोग आ जा रहे हैं सिस्टम से। और यहाँ पर देखिए पुराने पिलर पड़े थे, इनको खोदा जा रहा है। ये देखिए किधर से किधर से, देखिए यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और गाड़ी आ तो रही है यार। आगे देखिए रास्ता खुला है, झूठ बोल रहे हैं। और मैं इधर से चलता हूँ, देखता हूँ क्या पोजीशन है। ये देखिए फ्लाईओवर इस तरीके से बना हुआ है और गाड़ी देखिए निकलती है कि नहीं, देखते हैं प्रयास करते हैं। उठाओ उठाओ, रुक जा रुक जा रुक जा। तो देख रहे हैं बाइक निकालने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देखिए पूरा फ्लाईओवर जो है बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं कलर भी हो चुका है इस फ्लाईओवर का। और आगे मैं दिखाता हूँ क्या काम चल रहा है इस फ्लाईओवर का। जैसे गाइस मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा ना तो ये देखिए आपको रामपथ मार्ग देखने को मिलेगा, ये जो कि 13 किलोमीटर का बन रहा है और अभी भी इस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दो तीन दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करा है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और ऐसे सीधे ये अयोध्या चला जाता है। और यहाँ पर जो है कलर देखिए किस तरीके से हुआ है, नीचे भी ये देखिए सर्विस रोड बनाई जा रही है आने जाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं बगल ड्राइविंग स्कूल है यहाँ पर। और ये देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसका स्लोप डाउन होता हुआ जाएगा ना, ये सीधा धारा रोड को जाती है। और मैं जो रास्ता चल रहा हूँ ये परिक्रमा मार्ग है ना, इसको परिक्रमा मार्ग बोलते हैं, पाँच कोसी परिक्रमा मार्ग यहाँ से चलता है। और ये देखिए फ्लाईओवर का इतना काम हो चुका है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा काम चल रहा है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं फ्लाईओवर का स्लोप का डाउन इधर हो रहा है, उधर भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ तक ये फ्लाईओवर इस तरीके से बनेगा क्योंकि बीच में रामपथ मार्ग आ रहा था। तो रामपथ मार्ग में किसी भी प्रकार का ऐसा चौराहा आपको नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण आपको देखने को मिलेगा।
देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई है जो कि काम कर रही है निरंतर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये वाटर सीवेज का काम यहाँ पर चल रहा है गाइस, है ना। और ये देखिए मेज़रमेंट हो रहा है लेबलिंग का, यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का काम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जैसे थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो ये मार्ग जो देखने को मिल रहा है 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग दोनों है, ये ऐसे होते हुए जाकर सीधा सरयू नदी पर मिल जाता है। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलेंगे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।